हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी होंगे एकदम बढ़िया और स्वस्थ और कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज जो है वो थोड़ा सा सेशन हो गया है लेट, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि वेबसाइट पे चल रहा है वर्क, और अभी तक हमारी जो चंडीगढ़ की टीम है बहुत ही मेहनती है, डेडिकेटेड है। अभी तक सारे के सारे ऑफिस में बैठे हुए हैं। जानते हो एक कारण क्या है? कारण है जस्ट आप लोगों की एक छोटी सी डिमांड, लाइव स्क्रीन और लाइव चैट को लेकर। तो चलिए इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लासेस को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। होप सो कि आप सभी को जो है वो मेरी आवाज बेहतरीन आ रही होगी। तो कैसे हैं आप सभी? तो भैया दिवाली की एड आ रही है, कहती है कि इस दिवाली स्मार्ट बनो। मैं कहता हूं इस दिवाली नौकरी घर लाओ, समझ गए? तो सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। तो आज जो है वो सेशन भी हम शेयर नहीं कर पाए, जैसे कि आपने देखा टेलीग्राम पे शेयर नहीं हुआ है, और बहुत से ग्रुप्स हैं जिसमें जो है वो आज जो है हम शेयर तक नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा जो है वो बिजी शेड्यूल है। तो ये है स्टडी नाइट की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी अगर हम बात करें, अगर आपको यूज करने नहीं आती है तो आप जो है यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे जाएं। इस वीडियो को अगर आप वॉच करेंगे, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन वेबसाइट, सो आप जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और जिसका अकाउंट है वो ठीक है, और जिसका नहीं है वो आपको कल दिन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज जितनी भी चीजें होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, फ्री बुक्स होंगी, सारी की सारी वेबसाइट में मिलेगी। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप करेंगे, जो ऑलरेडी यूजर हैं वो लॉग इन करें, जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन किया है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे ऑल कोर्सेज हैं, जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन, पुलिस कांस्टेबल, जेबीटी टैट, टैट आर्ट्स और एचपी पटवारी एग्जाम की अगर हम बात करें। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे लिए जो बेस्ट जो मेरा बैच है वो है पटवारी का बैच। तो पटवारी में मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊं, अभी राइट नाउ टेस्टिंग चल रही है। जो हमारी जो टीम है वो बैकएंड जो टीम है चंडीगढ़ वाली, वो अभी भी क्या कर रही है, टेस्टिंग कर रही है। और मैंने आपको ये दिखाना है कि अब ये वाला प्लेटफॉर्म बेस्ट है कि नहीं। जो लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं वो मोबाइल से जाके यहां पे कमेंट कर देना, ताकि उनको पता चल जाए, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो डायरेक्ट जो है वो अभी डेवलपर ही देखेंगे कि भैया ठीक है नहीं है, ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। तो खैर चलिए हम तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑन गोइंग, दैट मीन्स कि ये जो सेशन है ये ऑन गोइंग है, पटवारी वाले में चल रहा है। लाइव चैट आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिल रही है राइट नाउ, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्लियर? देखिए यहां से जो है वो आपको जो है वो हर एक चीज जो है वो देखने को मिल रही है, मिल रही है? क्लियर, समझ गए? तो यहां से क्या है, ये जो है वो लाइव चैट, आप यहां से जो है वो लाइव चैट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो चलिए, खैर अभी मुझे को लाइव चैट नहीं करनी है, तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य को नहीं बदलिए। चलिए इसी के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि बिफोर मर्जर विद द हिमाचल प्रदेश ऑन जुलाई 1, 1954 बिलासपुर वॉज, बिलासपुर क्या था भाई? 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले बिलासपुर एक था, क्या था भाई? भाग ए का राज्य था, भाग बी का राज्य था, भाग सी का राज्य था, या फिर कुछ और ही था? फटाफट से बताएंगे भाई, बिलासपुर उस वक्त था तो था, लेकिन था क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, सभी बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया, 26 जनवरी 1950 को पारसी स्टेट का दर्जा मिला, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना था, और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, पंजाब और कांगड़ा के क्षेत्र उसमें जो है शामिल हुआ, 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल एक्ट जो है वो पास किया गया, और 25 जनवरी 1971 को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, जिसके साथ जो एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा और 21,455 जो है वो स्क्वायर माइल्स हो जाएगा। यस वेरी गुड, किसका जो है सही आंसर आ चुका है? अच्छा भाई लाइक कर दीजिए चैनल को। यस वेरी गुड, सभी का जो है वो सही जवाब आ चुका है। यस यस वेरी नाइस। तो क्या था भाई, पार्ट सी का जो है क्या था, राज्य था। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन, ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह का उद्गम हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से होता है? फटाफट से बताएंगे, हमारे पास चार ऑप्शंस होती हैं, ब्यास राबी चिनाब, ठीक है जी, ब्यास राबी चिनाब अपनी है, राबी चिनाब एंड झेलम, झेलम अपनी नहीं है तो ऑप्शन बी जो है वो नहीं हो सकता है, सतलुज, ब्यास एंड राबी। देखिए भैया हिमाचल से सतलुज का ओरिजन नहीं होता है, तो सतलुज को भी हमने क्या कर दिया, काट दिया। आगे फिर है सतलुज, रावी एंड झेलम, तो झेलम भी अपनी नहीं है, सतलुज भी अपनी नहीं है, क्यों?
क्योंकि अपनी हिमाचल में है, प्रभावित होती है, लेकिन भैया हिमाचल से ओरिजिनेट नहीं होती है, क्योंकि ये कहां से आती है, आती है मानसरोवर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्यास, रावी और चुनाब, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ जो थोड़ा सा मैं रैपिड सेशन रखने वाला हूँ आज, अगला सवाल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत शक्ति की अनुमानित क्षमता कितनी है, 10,000 मेगावाट, 12,700, 16,000 या 20,000, फटाफट से बताएंगे कि जल विद्युत क्षमता जो है वो कितनी है, फटाफट बता देना है, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जल विद्युत परियोजनाओं की बात कर रहा है भाई। चलिए 10 सेकंड का टाइम दे देते हैं, ज्यादा फास्ट हो रहा है, बोले वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, जल्दी बताएंगे बच्चे, थोड़ा सा ना स्पीड में पढ़ा करो, ऐसे स्लो 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 नहीं पढ़ना होता है ना। अगर मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछे, यस वेरी गुड, ठीक है, सभी का सही जवाब आ चुका है। कई बार आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा जैसे कि हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है, भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, 1963 में जो उसका काम जो है उसका 1948 में स्टार्ट हुआ था और 1963 में जो है वो बन गया था। कई बार हमसे ऐसा पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश के में बुरी सी जल विद्युत परियोजना का है, आंध्र जल विद्युत परियोजना का है, बस्सी जल विद्युत परियोजना का है, पोंग जल विद्युत परियोजना, चमेरा जल विद्युत, कड़चम्बगातू, ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक ही आपको आनी चाहिए। यस, तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, यस वेरी गुड, 20,000 मेगावाट इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, जहां पर आप लोग जाएंगे, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है भाई, राजस्व जो प्रशिक्षण जो संस्थान है वो कहां पे, धर्मशाला में, शिमला में, जोगिंद्रनगर में या सुंदरनगर में। तो देखिए नगर लगेगा, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि कहां है, जोगिंद्रनगर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नवाला जनजाति का त्योहार है, क्या कह रहा है, नवाला किस जनजाति का त्योहार है, पंगवालों का है, गद्दी का है, गुजर का है, या फिर लाहौला का है, लाहौलास लिख दिया, लाहौला कर दीजिए, लाहौलास कर दीजिए, ये भी एक जनजाति है। तो नवाला जो है वो किसका त्योहार है, तो नवाला जो है बच्चे अगर बात करें तो गद्दियों का है, नवाला जो बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, घाटियां हिमाचल की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो पट्टन घाटी कहाँ पाई जाती है, पट्टन घाटी इज ऑल्सो नोन एज कौन सी घाटी, इसको कहते हैं, फटाफट से बताएंगे कि पट्टन घाटी कहाँ पाई जाती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में होगा क्या, नहीं होगा, शिमला जिला में होगा, नहीं होगा, लाहौल और स्पीति जिला होगा, या चंबा जिला भी नहीं होगा, तो पट्टन वैली की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पट्टन घाटी कहाँ पे है, तनदेही की जब हम आपको पढ़ाते हैं, चंद्र और भागा जो है मिलती है, और किसके एक घाटी का ये भी क्या करती है, निर्माण करती है, जिसको हम चंद्र भागा घाटी कहते हैं। तो उसी तरीके की एक और घाटी है जिसे हम क्या कहते हैं, पट्टन वैली कहते हैं। पट्टन वैली इज आल्सो फेमस फॉर किसके लिए भाई, पोटैटो के लिए, किस चीज के लिए फेमस है, पोटैटो के लिए जो है काफी ज्यादा फेमस है। तो दैट मींस कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बुराहा किस जिले का प्रसिद्ध समूह नृत्य है, क्या बात कर रहा है भाई, बुराहा किस जिले का प्रसिद्ध समूह नृत्य है, शिमला जिले का, कांगड़ा जिले का, सिरमौर जिले का, या फिर किन्नौर जिले का। फोर ऑप्शंस में से आपको ऐसे सटाके से जवाब आना चाहिए हिमाचल, बिकॉज आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल जी, क्योंकि इसमें तो आपको बिना सोचे समझे जवाब दीजिए। बुरा इज अ फेमस ग्रुप डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, तो दैट मीन्स कि ये कहाँ का है, सिरमौर आ जाता, सिरमौर आले भैया, सिरमौरे दी नाटी लगनी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, कहता है कि खीर गंगा गर्म पानी का झरना स्थित है, क्या बात कर रहा है भाई, खीर गंगा, तो फटाफट से बताइए, कांगड़ा जिले में, किन्नौर जिले में, चंबा में, या कुल्लू जिले में। तो भैया आप जानते हैं, तो बहुत से लोग जाना वहां पे पसंद करते हैं, कहां वैली जाते हैं कि नहीं, अब यहां पर कौन कौन लोग जाते हैं वो तो आप ही जानो। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, तो क्या हो जाएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, वेरी नाइस, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड आदित्य, निकिता, वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है। तो कहाँ पे हो जाएगी, अपने कुल्लू जिले, मलाना कहाँ पे है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो बताइए, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, ये एचपी पटवारी में सवाल आया हुआ, और आज ही हमने हिमाचल में एक क्लास ली थी आपकी, सेकंड क्लास थी इकोनॉमिक्स में आपकी, एचपी ज्योग्राफी की आज जो आपकी क्लास हुई उसमें हमने ये पढ़ा, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति, और एक और पढ़ी थी हमने, कौन सी बताएंगे, अच्छा चलिए आज देखते हैं कि कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, एक और बताइए आपको, मैंने ये आज पढ़ाई, हिमाचल को आलू के बीजों का घर कहते हैं, आलू के बीजों का घर हिमाचल को कहते हैं, ये पटवारी में सवाल आया, तो दैट मींस जिस कॉन्सेप्ट को आज मैंने आपको क्लास में पढ़ाया वैसे ही डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आलू इज द राइट आंसर। तो आलू के बीजों का घर, आलू के बीजों का घर हिमाचल प्रदेश को कहते हैं, क्या ये बात आपको पता थी, हिमाचल प्रदेश को क्या कहते हैं, आलू के बीजों का घर भी कहा जाता है। और यहां पर अगर बात करें, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, गिरिराज, पुखराज, अशोका, ज्वाहर सिंदरी, ये सारी जो है क्या है, एक आलू की प्रजातियां हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
ठीक है, कहता है कि 1999 में कारगिल ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, राइफलमैन संजय कुमार, हवलदार अब्दुल हामिद, ए एल एन करम सिंह। तो देखिए ये पटवारी की परीक्षा है, पटवारी की परीक्षा में जो है ये सवाल आए हुए थे पिछली परीक्षा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइफलमैन संजय कुमार। अगला सवाल है, चंद्रा और भागा नदियां किस स्थान पर मिलती है, ठीक है, उस स्थान पर क्या है भाई, केलांग नहीं होगा, पट्टन वैली नहीं होगा, सुहागा नहीं होगा, तो तांडी इज द राइट आंसर। तांडी को तनदेही भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको जो है वो, तनदेही भी कहते हैं। यहां पर क्या हुआ भाई, द्रौपदी ने जो है वो क्या किया, यानी कि द्रौपदी ने जो अपने तन का यानी कि क्या किया है, दाह संस्कार हुआ द्रौपदी का एक तरह से, ठीक है। अगला सवाल है भैया कि मठ जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है, की मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री की बात कर रहा है, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में। तो एज यूजली आप जानते हैं कि की मठ पूछा और सिंपल सी बात है कि हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हु वॉज नॉन एज पहाड़ी गांधी, तो पहाड़ी गांधी किन्हें कहा जाता है, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी ऑलरेडी आपको हिमाचल के इतिहास में पढ़ाया। एक एक सवाल जिस चीज को आपको पेड क्लास में पढ़ाया ना, एक एक सवाल यहाँ पे मैच कर रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पटवारी परीक्षा में देख लेना, स्टडी नाइट का रिजल्ट बोलेगा। अगर पुलिस कांस्टेबल में 21 दिन पढ़ा के 70 सिलेक्शन दे सकते हैं, 6 महीने का बैच बैठा हुआ है, सिलेक्शन डबल कहते हो, एक्स लगा लो उसको डायरेक्ट, समझ गए। तो भैया सिलेक्शन तो होके ही रहेगी, सिलेक्शन को कोई रोक के दिखाओ यार, मैं खुद कहता हूं भाई साहब, जो जिसको भगवान आगे करता है ना, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम यही कहते हैं कि जो भी है वो भगवान का दिया हुआ है, और भगवान ने एक अच्छी राह दिखाई है कि भैया लोगों की सुनो और लोगों के लिए कुछ बढ़िया करो, और वो हम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, टीम इतनी डेडिकेटेड है, कोई भी व्यक्ति 5 बजे के बाद ऑफिस में नहीं बैठता है। राइट नाउ हमारी कोई भी टीम हो, 8:30 बज रहे हैं और बंदे चंडीगढ़ में पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं कि भैया एक्सेस कैसे जो है वो किया जाए आपके लिए लाइव चैट का, समझ गए। तो याद रखिएगा, सिलेक्शन होगी तो ओनली ऑन स्टडी नाइट से, नहीं होगी मत ज्वाइन करो, अनलाइक कर दो, वो क्या कहते हैं, डिसलाइक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग खुद एक दिन आएगा वो सब्सक्राइब करोगे, लेकिन वो दिन तब ना आए जब आपको पता चले कि भैया यहाँ पे इतनी सिलेक्शन होगी, काश मैंने यहाँ पे पढ़ लिया होता, तो भैया ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो बाबा कांशीराम इज द राइट आंसर, कोई भी स्टूडेंट है, आप इतने स्टूडेंट है, कोई एक बच्चे को नहीं मैं पढ़ाता हूँ, आप बोल दीजिए कि सर ये चीज आपने नहीं पढ़ाई है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में मौजूदा प्रशासनिक प्रभावों की संख्या है, ये जो भाग है उनकी बात कर रहा है, 12 है 3 है 4 है या 7 है, तो कौन सी है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन कितने हैं हिमाचल प्रदेश के, तो भैया पता होना चाहिए, वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ द डे है ये आपके लिए, मेरे को पता है इसमें आप गलती करेंगे। मनी बिल पेश किया गया है, ठीक है, मनी बिल इज द इंट्रोड्यूस्ड इन, कहां किया जाता है मनी बिल को पेश, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि मनी बिल क्या होता है, क्या होता है भाई मनी बिल बताइए, मनी बिल के लिए एक आर्टिकल है, जानते हैं मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल 1110, ठीक है, 110 जो आर्टिकल है, यानी कि 110, उसको हम यूज करते हैं मनी बिल के लिए। मनी बिल होता क्या है, कई बार सवाल आता है 112वां आर्टिकल है इससे संबंधित या नहीं, तो भैया देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, ये आपको पढ़नी पड़ती है। तो दैट मीन्स कि पॉलिटी का सवाल है, किस चीज का सवाल है, ये पॉलिटी का सवाल है भैया, पॉलिटी तो कौन कहता है, पॉलिटी आती है लेकिन नॉर्मल सी पॉलिटी आती है, अनुच्छेद 110 में जो है इसके बारे में जो बताया गया, इसे कहते हैं धन विधेयक, जो इसे कहते हैं, ठीक है। यस वेरी गुड, शाबाश भैया, क्या छूट होगी, संघ राज्य बताते हैं इसके बारे में, अधिरोपण क्या है, उन्मूलन क्या है, छूट क्या है, परिवर्तन क्या है, विनिमय क्या है, सरकार द्वारा जो धन उधार लेना, किस गारंटी के तहत पर सरकार काम कर रही है, क्या जो सरकार का काम है क्या नहीं है। यस वेरी गुड, तो हमसे हाँ ठीक है, 110 इज द राइट आंसर, यस वेरी गुड। अब बात कर रहा है कि ये आता किसमें बताइए, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि पॉलिटी नहीं आती है पटवारी में, अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। वेरी गुड, यस शाबाश, यस वेरी गुड, आपका आंसर सही है, लोकसभा इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, द विलेज वुमेन हु इज लेड द चिपको मूवमेंट वॉज, पढ़ाया था आपको चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली ग्रामीण महिला कौन थी, बिछेंद्री पाल थी, सरला देवी थी, गौरा देवी थी, उपरोक्त में से कोई नहीं, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। एक भी बच्चा जिन भैया 3000 बच्चा मेरे पास एचपी जीके के बैच में है अभी, 3000 स्टूडेंट जो नया बैच है, अब 3000 में से एक भी व्यक्ति
ऐसा तो नहीं होगा, हेटर भी होगा तो तब भी यार तुम सच अपने दिल से बताओ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया है तो अभी आज मैं आपको दिखाता हूं उनको कि पढ़ाया हुआ कि नहीं, ठीक है। तो बताइए चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली ग्रामीण महिला कौन थी, फटाफट से बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश, वाह क्या बात है, यस वेरी गुड, सभी का सही आंसर गौरा देवी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, कहता है कि ठीक है डेविस कप किस खेल से संबंधित है, कौन सा कप की बात कर रहा है, डेविस कप की बात कर रहा है, हॉकी से, क्रिकेट से, बॉक्सिंग से या लॉन टेनिस से, फटाफट से बताएंगे कि डेविस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। वेरी गुड वेरी गुड, तो ये एक तरह से बच्चे टेनिस स्पर्धा होती है। अगर हम कई बार आपसे सवाल पूछेगा कि ये किस प्रकार की, डेविस कप जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला जाए पूर्व टेनिस स्पर्धा होती है, ठीक है, तो इसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है यानी कि खेलने के लिए, अगर ये आपको पता हो तो किससे संबंधित हो जाएगा, टेनिस से हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे चाहे लॉन लिखा हो चाहे जो मर्जी लिखा हो, लेकिन अरे ये राम भैया 2023 में 121 साल में पहली बार कनाडा ने जीता डेविस कप, ठीक है। 2023 में आपसे पूछेगा भारत कितनी बार विजेता रहा, भारत 3 बार उप विजेता रहा है, फिर कहते हो आप लोग यार करंट अफेयर भी नहीं पढ़ते हो, ये करंट अफेयर का सवाल आया था उस वक्त, क्यों एक तरह से हम कह सकते हैं, वैसे तो ये खेलों से संबंधित है, इसको करंट अफेयर में नहीं रखेंगे एक तरह से क्योंकि ये स्टैटिक जीके बन चुका है, लेकिन है एक तरफ का टाइप ऑफ करंट अफेयर है। यस वेरी गुड, नो बच्चे आप लोगों को मतलब बिल्कुल ही वही बात है कि आप बहुत गलती करते हैं। हॉकी से भाई, हॉकी वाले देखो हॉकी से कई बार सवाल पूछेगा, हॉकी से संबंधित ट्रॉफी जो है बच्चे कौन कौन सी होती है, चैंपियन ट्रॉफी होती, कई बार आप जैसे आपने सवाल पूछा होगा कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है, कई बार सवाल पूछता है आगा खाना कप है, बिटन कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, लेडी रत्ना टाटा ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी है, रंगा स्वामी ट्रॉफी है, सिंधिया ट्रॉफी है, विश्व कप, मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी, ये तो अलग अलग चीज है। फिर कई बार बैडमिंटन का पूछता है, बेबेलिस कप होता है, बिस्डन ट्रॉफी होता है, उबेर कप होता है, ड्रबी कप, वो चीजें अलग है। फुटबॉल की तुम बात करो, फुटबॉल में रॉबर्ट्स कप होता है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो कप होता है, डुरंट कप होता है, आशुतोष कप होता है, ठीक है। तो बेसबॉल की अगर मैं बात करूँ तो बेसबॉल में कमिश्नर ट्रॉफी वगैरह आती है, ठीक है, मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा कई बार सवाल पूछ लेगा कबड्डी से संबंधित, एशियाई कबड्डी होता है, प्रो कबड्डी, कबड्डी विश्व, महिला कबड्डी, तो ये सारी जो है भैया डिफरेंट डिफरेंट कप होते हैं। खैर इसका जो राइट जो आंसर है वो लॉन टेनिस इज द राइट आंसर। अगला सवाल है पी के आर पिकू है, ठीक है भैया पी के आर पिकू है क्या है, पांडा चीन में पाए जाते हैं, फीचर फिल्में हैं, हरियाणा की लड़कियों ने बस में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, उपरोक्त में से कोई नहीं, भैया ये क्या है, पी के एंड पिकू क्या है। देखो जी आप लोगों को एडवांस पढ़ना पड़ेगा, पी के एंड पीकू क्या चीज है भाई, वेरी गुड, ऑल नहीं क्या है, ऑल क्या हो सकता है, फिल्म है मूर्खो है, पता ही नहीं है क्या करते रहते तुम, ठीक है फीचर फिल्में हैं, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा भी चली थी, पिकू अंडरलाइंस क्या है क्या नहीं है, ठीक है इसको चेक करना आप वैसे, क्योंकि देखिए फिल्मों से हमारा भी कोई खास ताल्लुकात नहीं है, बट इतना पता है क्योंकि पहले कई बार पूछा गया करंट अफेयर में। अगला सवाल है स्वयं सिद्धा भारत सरकार द्वारा मदद के लिए शुरू की गई एक योजना है, स्वयं सिद्धा भारत सरकार द्वारा डैश की मदद के लिए शुरू की गई योजना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप एक बार चैट बॉक्स देखिए, कसम से इतने बाहियात आप आंसर कहां से करते हैं, कहां से ऐसे आंसर आप करके लाते हो। वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट से बताइए, चार ऑप्शन है, केवल स्कूली बच्चे, केवल स्वास्थ्य कर्मी, केवल महिलाएं, केवल वरिष्ठ नागरिक, किसके लिए है ये, तो ये कॉल वाले बड़े परेशान करते हैं भाई, सेशन के टाइम कॉल मत किया करो।
यस वेरी गुड। तो स्वयं सिद्धा योजना के बारे में, यस यस वेरी गुड, ठीक है, सभी का सही जवाब आ चुका है। स्वयं सिद्धा योजना जो है वो वुमेन यानी कि केवल महिलाओं के लिए दी जाती है, बट है क्या चीज स्वयं सिद्धा योजना, है क्या स्वयं सिद्धा योजना क्या है बच्चे? ये भी तो आपसे कई बार सवाल पूछ लेगा कि स्वयं सिद्धा योजना क्या है। महिलाओं को सशक्तिकरण यानी कि करने के लिए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो है ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था, यह प्रमुख कार्यक्रम भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चीप इज अ कॉमन निक नेम फॉर अ, ठीक है, चीप फॉर एन, चीप एन के लिए एक सामान्य उपनाम क्या है? ट्रांजिस्टर, अवरोधक, एकीकृत सर्किट या अर्धचालक। देखिए चिप, चिप की बात कर रहा है, अब बताइए भाई चिप है, सॉरी चिप पढ़ दिया होगा मैंने भी, चिप इज अ कॉमन निक नेम, चिप इज अ कॉमन निक नेम भाई, कैसा सर्किट होता है ये अगर आपने देखा हो, छोटा सा पीस, क्या कहते हैं हम इसे, देखता हूं कि कौन सही आंसर करेगा। ट्रांजिस्टर नहीं है भैया, ट्रांजिस्टर नहीं होता है, अवरोधक भी नहीं होता है, रोकता भी नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे जो है हम, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट जो है कहते हैं। होता क्या है ये, कहां पर यूज होती है ये चिप? अरे भैया होती कहाँ है, माइक्रोचिप भी कहते हैं इसे हमें, ये यूज कहाँ होती है भैया? सिलिकॉन की बनी होती है कई जगह जो है माइक, ठीक है, अरे राम मेरे प्रभु मालिका, हे प्रभु अवतार लो, आपके वे बच्चे जो है ये बड़े बुरे हैं। भारत पाक शिमला समझौता 1972 कहाँ संपन्न हुआ था? खैर इसका तो आंसर सही कर देना कि भारत पाक शिमला समझौता, क्या बात कर रहा है, भारत पाक शिमला समझौता, ठीक है, भारत पाक शिमला समझौता की बात कर रहा है, उस वक्त कौन था गवर्नर, ठीक है, 72 कहाँ संपन्न हुआ, वॉन्सकोट में, द रिट्रीट में, वोल्यूगंज में या पिटरॉप में, याद है आपको कुछ की नहीं? हुआ था कि नहीं हुआ था? 2 जुलाई 1972 में हुआ है बेटे, 2 जुलाई 1972 में, ठीक है, इसको शिमला समझौता के नाम से भी जानते हैं, 2 जुलाई 1972 में हुआ, ये पढ़ाया है मैंने, 2 जुलाई 1972 में हुआ, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या भैया, शिमला समझौता, क्या कहते हैं इसको हम, शिमला समझौता के नाम से भी इसको जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ये हिमाचल के बारे में जानना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उस वक्त कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, कौन था, पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था, जुल्फिकार अली भट्टी के बीच में हुआ था भाई ये। नो नो नो, वेरी बैड स्टूडेंट्स, ऐसे लगे पटवारी बनने ना तो सारे ने पटवारी बन जाना था, पीटर हवलो, वॉन्सकोट। कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है? जियोग्राफी का सवाल है, हिमाचल पटवारी का पेपर है, जियोग्राफी भी आई, इंडियन पॉलिटी भी आई, इंडियन हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री की जब मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री आती है, तो जो लोग ये अपने माइंड में 4 चीजें लेके चले हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और एचपीजी के, बोले जी एचपीजी के तो सारे सवाल होते हैं, 16-17 एचपीजी के सवाल, बाकी जो है वो छोड़ दिए, यहीं से नंबर बनेंगे। जियोग्राफी के 3 सवाल, इंडियन पॉलिटी 3 सवाल, करंट अफेयर नहीं आता इसमें, कभी भी नहीं आएगा, लेकिन स्टैटिक जीके आएगा, करंट अफेयर का 2 सवाल, तो कम से कम 10 सवाल ऐसे जो इंडियन जीके के होंगे, और 15 और 13 और 15 सवाल खाली एचपी जीके के। तो एचपी जीके इंपॉर्टेंट है या इंडियन जीके, दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है दोनों का, तो इसको कवर करने के लिए कुछ नहीं, आपको कम से कम 10,000 MCQs पढ़ लो एचपी और इंडियन जीके के, हो जाएगा काम, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वेबसाइट पे, वैसे ही कर लेना, ठीक है। कौन सा होता है, हेली, ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, ठीक है, फुली अच्छा, एक तो कंप्यूटर का सवाल भी था, एटीएम के संक्षिप्त रूप का वर्णन बताइए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हम इसे कहते हैं, ठीक है, एक और होती है, ठीक है, एवीएम, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जो जहां आप जाते हैं, जैसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, दिल्ली में चल जाओ, कहीं और चल जाओ, ठीक है, जाओ खाने पीने, खाजा भूजा वहां पे मिलता है, एडवांस टोटल मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, हाँ इसको कर सकते हो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेकन मशीन नहीं होती है, टोटल मशीन नहीं होती, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है इसे कहते हैं। ये सवाल पता कि कहाँ का है, प्लस टू का कॉमर्स का सवाल है ये, हमने भी कभी प्लस टू में कॉमर्स था मेरी स्ट्रीम, ठीक है, कॉमर्स वाणिज्य, ठीक है, और मेरे जो सर थे रमेश सर, वाणिज्य, वाणिज्य
रमेश सर, और रमेश सर ने इस चीज का टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में जो है मेरे को 3 नंबर आए थे 10 में से। और देखो आज वो सवाल मुझे याद है। देखो ये ऑनेस्टली रमेश सर भी सुंदरनगर से है और वो भी हमारे सेशन देखते हैं। तो रमेश सर जी आपका दिल से धन्यवाद, आज मुझे वो सवाल याद है, लेकिन उस वक्त आपने 3 नंबर दिए थे और जलील बहुत किया था पिताजी के सामने। ठीक है, पिताजी उस वक्त प्रधान थे स्कूल के। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ऐसे याद रहती हैं चीजें जब बेइज्जती हुई हो, बड़ा फील हुआ था उस वक्त हमें। अगला सवाल देखिए, ये कंप्यूटर बेस्ड सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या है, 23 ही सवाल थे, मतलब जीके में यहाँ पे टोटल 25 सवाल नहीं थे। ठीक है, तो ये है एचपी पटवारी बच्चे, बहुत ज्यादा टफ सवाल आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और रही बात यहाँ पे, अब आपकी च्वाइस है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी ऑल कोर्सेज में जाके। अभी आपको मैं बता दूं, ये तो टेस्टिंग स्टेज पे है, वरना इनकी फीस कब की बढ़ जानी थी। जैसे अभी कुछ ये क्लासेस हम नहीं ले पा रहे, क्योंकि जैसे बच्चों की 2-3 क्लासेस हुई, ठीक है, उसके बाद हमने क्लासेस को रोका। क्लासेस को इसीलिए रोका क्योंकि हम जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं लाइव। देखिए कॉन्टिन्यूसली जो है वो वेबसाइट पे जो है लाइव टेस्टिंग जो है वो चल रही है। ये देखिए, हे तेज, हेलो हेलो, ये देखिए हमारे डेवलपर जी क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली जो है टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए, लॉग इन करने के बाद ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन में विजिट करो। पुलिस कांस्टेबल की फीस तो 1500 हो चुकी है। ठीक है, तो आज रात तक जो है जिसने करना होगा ज्वाइन वो कर लेना, इसकी फीस अप्लाई हो चुकी है 1500। ये देखिए ये जुड़ गया, इसमें 500 और जुड़ चुके हैं, 700 रुपये फीस है, 7 5 1200, 1250 रुपये फीस हो गई है। ये 500 जो है वो कल से इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि आज रात से यहाँ पे आ चुका है। अभी जो ज्वाइन करेंगे 750 में हो जाएगा। सेम एज लाइक पटवारी में भी ऐसा ही है, जो 1180 की जो फीस है उसमें जो है वो टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड हो गई है, जिसमें जो है वो 10,000 के आसपास हम एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो वो आपको 1180 में सब कुछ मिल रहा है, A to Z लाइव क्लासेस, देखिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ। आज जो है वो थोड़े से थे हम, जल्दी में फिर मिलेंगे माई डियर स्टूडेंट्स।